मॉर्निंग क्लास, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारा दोस्तों, आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। और फिर से हम लोग आ चुके हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग। स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में जो पहला चैप्टर, सॉरी, हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे भी कैलेंडर हम पढ़ रहे थे और कैलेंडर हम लोग खत्म कर लिए हैं, समाप्त कर लिए हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक, घड़ी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, आप सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। और मेरे प्यारे दोस्तों, मोनिका सिंह, पुनीत सिंह और आकांक्षी गौतम, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि कंडीशन बहुत ही दिन पर दिन खराब होती जा रही है, फिर भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी क्लासेस जो है कंटिन्यू चलती रहे। और बड़े बहुत सारे टीचर्स लोग जो हैं इस समय परेशान हैं, वो लोग भी घर गए हुए हैं, और इस कोरोना पैंडेमिक के कोरोना महामारी में लोग जो है बनारस में नहीं होने के कारण जो है सारी कक्षाएं हमको ले लेनी पड़ेंगी। तो जितना भी संभव हो सकता है, हम जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, हम कंटिन्यू अपनी क्लासेस को लेते रहेंगे, ठीक है ना। पिछले एक दो दिन से हम परेशान थे, कुछ काम था, तो सारे काम को निपटा करके अब आप फ्री हो गए हैं। अब आप लोगों की क्लासेस जो है कंटिन्यू चलेंगी, कोई भी बाधा आपके पढ़ाई में नहीं आएगी, ठीक है ना। पूरी क्लासेस जितनी भी है हमारी, हम लेते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अनुराधा भारती, मैथ गुरु और जितेंद्र को दिन दिखाकर आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक, घड़ी, रीजनिंग का चैप्टर है ये। इसके पहले हम लोग कैलेंडर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं घड़ी, ठीक है। देखिए, चलिए, तो सबसे पहले चीज क्या पढ़ना इसमें है, इसमें बेसिक चीजों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, जो घड़ी होती है, आप जानते हैं कि घड़ी में क्या होता है कि किस प्रकार से बना होता है। यहाँ लिखा रहता है 12, इधर एक है, इधर दो है, यहाँ पे तीन बना है, यहाँ पे चार है, यहाँ पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, दस है और ग्यारह है। इस प्रकार से बना होता है। जो ये एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखा है ना, इसको बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं? डायल। तो इस घड़ी में कितने डायल बने हुए हैं? इस घड़ी में 12 डायल बने होते हैं। और आप जानते हैं कि पूरा जो कोण होता है, एंगल होता है, कितना होता है? 360 डिग्री। इधर 12 है, इधर 3 है, इधर 6 है और इधर 9 है। पूरा जो ये एंगल होता है, पूरा एक राउंड यदि कोई घूम लिया, इट मींस कि 360 डिग्री घूमने के इक्वल होता है। पूरा एक राउंड घूमने का मतलब होता है 360 डिग्री घूम लेना। इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो पूरा राउंड घूमने का मतलब होता है 360 डिग्री घूम लेना। अच्छा, पूरा राउंड घूमने में कितने डायल हमको घूमने पड़ेंगे? हम कहेंगे सर, मान लीजिए हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से आने में हमको टोटल जो है 12 डायल है ना, 12 डायल घूमने पड़ेंगे। तो 12 डायल घूमने का मतलब होता है 360 डिग्री घूम लेना, है ना। 12 डायल घूमने का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री घूम लेना। इसका मतलब ये हुआ कि सर, एक डायल घूमने का मतलब क्या हुआ? एक डायल घूमने का मतलब हो गया कि 360 डिग्री को 12 से भाग दे लेंगे, कितना आएगा? 30 डिग्री घूमना। यानी कि हम कह सकते हैं कि 12 जो डायल है, इसका मतलब होता है 360 डिग्री घूम लेना। यानी कि एक डायल की जो वैल्यू होती है, कितनी होती है? 30 डिग्री के बराबर। यानी हम ये कहेंगे कि जो ये एक डायल है, कितना हुआ? 30 डिग्री। एक से दो, ये एक डायल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उसको डिग्री में बोलेंगे 30 डिग्री। दो से तीन की जो दूरी होगी, उसको डिग्री में कितना बोलेंगे? 30 डिग्री। आठ से नौ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसको डिग्री में कितना बोलेंगे? 30 डिग्री। तो प्रत्येक डायल के बीच में, प्रत्येक दो डायल के बीच में जो कोण बनेगा, वो कितना बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनता है। इतना क्लियर है भाई? बढ़िया है। हम कहेंगे 12 डायल का मतलब होता है 360 डिग्री, तो एक डायल का मतलब कितना हुआ? 30 डिग्री। क्लियर है? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस क्या बनते हैं, है ना। तो हम ये कहेंगे कि देखिएगा, यहाँ पे दो चीजें, यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो होती है घंटे वाली सुई होती है, एक होती है मिनट वाली सुई होती है, और एक होती है सेकेंड वाली सुई होती है। घंटा, मिनट और सेकेंड, इन तीन सुइयां होती हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो बनता है घंटे वाली सुई पर बनता है और मिनट वाली सुई पर बनता है। तो दो सुइयों पर बनेगा, घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये देखेंगे। चलिए, तो हम देखते हैं आगे क्या है। तो हम कहेंगे देखिए, घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई के लिए है ना,
घंटे वाली सुई के लिए क्या होता है? हम कहेंगे जो घंटे वाली निडिल है, सुई है, उसके लिए क्या होता है? हम कहेंगे कि 12 घंटे, घंटे वाली सुई एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में कितने घंटे का समय लेती है? घंटे वाली सुई पूरा एक राउंड कंप्लीट करने में 12 घंटे का समय लेती है। हम कहेंगे 12 घंटे में यहां से यहां तक पहुंच, 12 घंटे में यहां मान लीजिए है, 12 घंटे में क्या होगा, फिर से पूरा एक राउंड ले लेगी, यहां पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 घंटे में कितना बनेगा भाई? हम कहेंगे 1 घंटे के दौरान में कितना बन जाएगा, 12 से भाग देंगे आ जाएगा 30 डिग्री का कोण, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक पॉइंट हमने आपके लिए एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, बढ़िया ना। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये एक पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। हम कहेंगे 60 मिनट, यानी हमें भी ये लिख सकते हैं कि घंटे वाली सुई जो है 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। घंटे वाली सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट में बनाती है 30/60 डिग्री, यानी कि काट देंगे आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि घंटे वाली सुई के लिए देखिए दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन गई, दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या मिला हमको कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में बनाएगी 30 डिग्री, और वही घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे वाली सुई जब 1 मिनट का समय देता है ना, तो आपको लगता होगा कि घंटे वाली सुई घूमती ही नहीं है, लेकिन घूमती है। घंटे वाली सुई उस 1 मिनट के दौरान में मात्र आधे डिग्री का कोण बनाती है, जो कि हमको पता नहीं चल पाता है ना। इसलिए हम लोगों को लगता होगा कि घंटे वाली सुई 1 मिनट के दौरान में कुछ घूमी ही नहीं, कुछ घूमी नहीं, घूमती है, कितना घूमती है, आधे डिग्री। क्योंकि एक देखिए ये पूरा दो डायल के बीच में कितना कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है, दो डायल के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। ये इन डायल के बीच में ये घंटे में कितनी की दूरी है, ये घंटे में कितनी दूरी है, क्योंकि 6 से 7 के बीच में 1 घंटे की दूरी है। तो इस 1 घंटे के दौरान में घंटे वाली सुई जो है इस 1 घंटे के दौरान में बनाती है 30 डिग्री का कोण। इसका मतलब ये हुआ गया कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, यदि 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट, 2 मिनट, तक 6, 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब हो गया कि 30 डिग्री, यानी 1 मिनट का मतलब कितना हुआ, आधे डिग्री। तो ये दोनों आप जो है पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, तब बोलेंगे 30 डिग्री, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, तो आधे डिग्री। बढ़िया भाई, ये दो पॉइंट है यहाँ से आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक तो हो गया, अब हम बात कर लेते हैं मिनट वाली सुई के लिए क्या होता है, मिनट वाली सुई के लिए क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार। देखिएगा, तो हम कहेंगे कि मिनट वाली सुई के लिए क्या होता है, मिनट वाली सुई तो हम कहेंगे कि मिनट वाली जो सुई होती है वो एक राउंड कितना देर में मूव करती है, एक राउंड घूमने में कितना समय लेती है। हम कहेंगे यदि मान लीजिए मिनट वाली सुई यदि यहाँ पे है, पूरा यहाँ से यहाँ तक घूम के आने में इसको लगते हैं 60 मिनट, यानी कि मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना घूमती है, 360 डिग्री को घूमती है। ध्यान दीजिएगा, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण घूमती है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 1 मिनट में घूमेगी 6 डिग्री, भाग दे देंगे भाई, है ना। 1 मिनट में कितना आएगा, 6 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका पॉइंट बन गया, क्या बन गया पॉइंट, कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण घूमती है, 6 डिग्री का कोण घूमती है। क्लियर है यहाँ तक भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, 3 पॉइंट हमको मिले, घंटे वाली सुई जो है 1 घंटे में कितना कोण घूमेगी, 30 डिग्री, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमेगी, 30 डिग्री, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, आधे डिग्री। लेकिन मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। ये 3 पॉइंट हमको बने, इन 3 पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, एक दो टाइप के प्रश्न बनेंगे। एक टाइप होता है पूछता है कोणों पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल, कोणों पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और एक होता है समय पर आधारित प्रश्न। तो अब आपसे जो हम पढ़ने जा रहे हैं
वो पढ़ेंगे हम लोग कोणों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, देखिएगा हम कहेंगे कोणों पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछता है तो उसको कैसे निकालेंगे। कोणों पर आधारित प्रश्न है ना, ये एग्जाम में बहुत पूछता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों पर आधारित प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि 5 बजकर नहीं, इसको कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे मान ले दिया हुआ है 2:30 है ना, 2:30 पर, 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है ना। 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना हो, ये क्वेश्चन है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोला गया है 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, बताइए भाई क्या आंसर आएगा। तो हम कहेंगे 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। ठीक है, आलोक सिंह, राज, गुरदीप सिंह, काजल सिंह, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिएगा तो हम कहेंगे, देखिए अब यदि हम सुई यदि घड़ी बनाए, घड़ी हम कहेंगे यहाँ पे होता है 12, यहाँ होता है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 2:30 का मतलब होता है कि घंटे वाली सुई कहाँ होगी, घंटे वाली सुई होगी 2 और 3 के बीच में, ढाई। ये अब मिनट वाली सुई कहाँ होगी, मिनट वाली सुई होगी ठीक 6 पे, ऐसे है ना। तो अब पूछा गया है कि 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा। तो हम कहेंगे देखिए, एक डायल, डायल की बात करें हम, एक डायल यहाँ पे हो गया, एक डायल यहाँ पे हो गया, एक डायल यहाँ पे हो गया। अब मिनट घंटा वाली सुई है कहाँ, घंटा वाली सुई यहाँ बीच में है ना। हम कहेंगे एक डायल का मतलब होता है 30 डिग्री, 1 डायल इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम कहेंगे जो ये कोण बनेगा कितना बना 30, ये कितना बना 30 30 60, प्लस ये कितना हुआ 30 60 30 90 90, आइए कितना हुआ। हम कहेंगे 2 से 3 के बीच में जो कंप्लीट एक डायल है का मतलब होता है 30 डिग्री है ना, कंप्लीट एक डायल का मतलब होता है 30 डिग्री। आइए है कहाँ पे, बीच में है, बीच का मतलब कितना हुआ, ये हो गया आपका 15 डिग्री है ना। हम कहेंगे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, आइए हो गया 15 डिग्री, 30 30 60 30 90 प्लस 15 कितना 105 डिग्री, हमें कहेंगे 105 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जिन बच्चों का आंसर है 105 डिग्री, पवन झा, अनुराधा भारती, राहुल कुमार और पुनीत सिंह राज है ना, 105 डिग्री का कोण बनेगा, बढ़िया है, 105 डिग्री। लेकिन इस चीज को हम लोगों ने कैसे ज्ञात किया, इस चीज को हम लोगों ने ज्ञात किया है कैसे ज्ञात किया है भाई, हम लोगों ने ज्ञात किया है फिगर बना करके है ना, फिगर बना करके हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को ज्ञात करने का एक फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला क्या है उसको हम देखेंगे। देखिए फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक फार्मूला भी होता है कि कोण यदि थीटा निकालना है तो होता है 30 × h − 11/2 m है ना, ये ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला होता है। फार्मूला जो क्या होता है, थीटा जो होता है 30 × h है, मतलब कि h क्या है, h शो करता है r, r माने घंटा, ठीक है, और m क्या शो करता है, m शो करता है मिनट वाला पार्ट, मिनट वाला जो पार्ट है उसको शो करता है m। थीटा क्या शो करता है, थीटा शो करता है एंगल, एंगल का मतलब क्या होता है कोण है ना। ये चीज है 11 थीटा जो होता है 30 × h − 11/2 m, ये माइनस का सिंबल यहाँ पर नहीं रहेगा, ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे का मतलब क्या, ऐसे है, ऐसे का मतलब क्या होता है, ऐसे का मतलब होता है डिफरेंस, इसका मतलब होता है डिफरेंस यानी कि अंतर, क्या होता है अंतर है ना। तो यहाँ पे अंतर का सिंबल है, ये माइनस नहीं है, माइनस ऐसे होता है, ये क्या है डिफरेंस है ना, डिफरेंस वहां पे। तो हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 × h डिफरेंस 11/2 m, उसको माइनस भी बोल सकते हैं, माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया है कि 2:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। हम कहेंगे कोण इज इक्वल टू होता है क्या होता है 30 × h, 30
थर्टी तो फॉर्मूले में दिया ही है, एच का मतलब क्या घंटा, ये जो दो है ना ये एच है घंटा है और थर्टी क्या है मिनट है ना। तो हम कहेंगे थर्टी इंटू घंटा, घंटा मीन्स क्या हुआ दो, माइनस कर लेंगे यहाँ पे क्या माइनस कर लेंगे इलेवन बाय टू इंटू एम, इलेवन बाय टू तो सही है इंटू एम, एम का मतलब क्या हुआ तीस, एम का मतलब क्या हुआ तीस, यहाँ रख देंगे तीस, ठीक पूरा कर लीजिएगा, तीस में कितना आएगा साठ, माइनस दो से काटेंगे तीस कितना आया पंद्रह, ग्यारह गुणे पंद्रह कितना एक सौ पैंसठ है ना। अब एक सौ पैंसठ का मतलब क्या हुआ, हमने बोला ना ये माइनस नहीं है बल्कि यहाँ क्या मानेंगे डिफरेंस मानेंगे, डिफरेंस मीन क्या जो बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिएगा, हम कहेंगे इसको घटा देंगे इसमें से, आपका आंसर कितना आ जाएगा 105 डिग्री है ना, आपका आंसर आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो बड़ा है उसमें से घटा देना, तो कितना आंसर आएगा 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई कर लेंगे ना ऐसे, बढ़िया है, बोलिए आया कि नहीं आया, यदि आ गया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और थंब ऐसे लाइक वाला तो होता ना थंब, ठीक है ना, ऐसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए हमको ताकि हमको ये पता चल पाए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस या नो, है ना, समझ में आया तो यस लिखिएगा, नहीं आया तो नो नो लिखिएगा, यस या नो लिख के बताइए हमको कमेंट बॉक्स में, आप लोग यस या नो लिख के बताइए आया कि नहीं आया। पूजा शुक्ला 105 डिग्री, रेणु कुमारी 105 डिग्री, काजल सिंह 105, आकांक्षी गौतम यस वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा बात है ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एंगल को फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो आप घड़ी बना के कर लीजिए और चाहे तो पूरा फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, बढ़िया भाई काजल सिंह और राधा भारती पवन झा वेरी गुड, ठीक है लाइक कर दिया है सर, थैंक यू सो मच पुनीत सिंह, बिल्कुल लाइक करिए। आप देखिएगा अब एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं हम लोग, सपोज दैट दिया गया है 9:30, दिया गया है साढ़े नौ बजे, 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनाए बनेगा बताइए, दो सर 9:30 पर साढ़े नौ बजे 9:30 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा ये आपसे पूछा गया है, 9:30 पर पूछा गया। हम कहेंगे यदि हम घड़ी के द्वारा देखें, घड़ी जो होगा 12 जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 योग 11, 9:30 का मतलब होता है साढ़े नौ, यानी कि घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट हैंड कहाँ होगी, मिनट वाली सुई यहाँ पे होगी, ये पूरा कोण हो जाएगा। हम कहेंगे ये हो गया एक डायल, ये हो गया दो डायल, ये हो गया पूरा तीन डायल, ये हो गया आधा डायल, आधा डायल होंगे 30 30 60 30 90 और 15 कितना 105 यस, तो आंसर आ जाएगा 105 डिग्री है ना भाई, कितना आएगा 105 डिग्री आ जाएगा, 205 मतलब भर्ती नहीं भाई, ठीक है ना, कितना आएगा 105 डिग्री, ठीक है। अब निकालना होगा, मान लीजिए फार्मूले से कैसे निकालेंगे, तो फार्मूले से निकालते हैं इसको, आप फार्मूला क्या होता है थीटा यानी कोण बराबर होता है 30 इंटू घंटा, इसको बोलेंगे घंटा, कितना दिया है 9 और डिफरेंस डिफरेंस कर लेंगे 11 बाय 2 इंटू मिनट का मतलब कितना दिया है 30 का, ठीक कर लेंगे गुणा, यहाँ पे हम कहेंगे ये कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा है ना, माइनस कर लेंगे ये आ जाएगा 15 बार में कट जाएगा, 15 गुणे करके कितना आएगा 165, ठीक है। अब कर लेंगे यहाँ पे माइनस कर लेंगे यहाँ पे कितना आएगा 10 से 5 गया 5 6 से गया 0 2 से 1 गया 1 कितना 105 डिग्री, आपका आंसर बन जाएगा 105 डिग्री, आया कि नहीं बताइएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से हम लोग फार्मूले से निकालेंगे 105 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिया गया है 2:20 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, 2:20 पर जो है दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना है क्या होगा, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना, बताइए कितना आएगा भाई। तो हम कहेंगे यदि फिगर आप लोग ज्ञात करिए, आप लोग निकालिए, हम भी देखते हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, तो दो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 2:20 का मतलब क्या होता है, 2:20 का मतलब होता है कि घंटे वाली सुई होगी कितना कहाँ पे, घंटे वाली जो सुई होती है वो तो कहाँ होती है, तो 2 और 3 के बीच में होगी, ठीक ठीक बीच में नहीं होगी, ठीक ठीक बीच में नहीं होगी, वो कहाँ होगी, यह जो सुई होगी वह 2 से थोड़ा आगे होगी, 2:20 का मतलब होता है मिनट वाली सुई कहाँ होगी, मिनट वाली सुई होगी यहाँ पे 4 पे, और जो घंटा वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, 2 से थोड़ा आगे होगी, 2 से थोड़ा आगे होगी लेकिन ठीक ठीक बीच में नहीं होगी, है ना, इसको बोलेंगे 2:20 होना, हम कहेंगे 2:20 होना हो गया। अब देखिए कोण पूछा है, कोण कितना होगा, हम कहेंगे
ये पूरा ये जो यहां से भी यहां तक खींच दे तो हम कहेंगे ये पूरा कितना हो गया 30 डिग्री। कितना हुआ 30 डिग्री। 3 से 4 के बीच में एक डायल कंप्लीट हो रहा है, इसको बोलेंगे 30 डिग्री। अच्छा ये कितना है, ये यहां से 40 डिग्री, ये पूरा यहां पर कितना होता है, ये होता है 60 मिनट। कितना होता है 60 मिनट या 1 घंटा। लेकिन ये जो 2 से आगे कितना आया है 20 मिनट, 2 से आगे आया है 20 मिनट, है ना, ये कितना हो गया 40 मिनट। कितना हुआ ये, हम कहेंगे ये है पूरा 60 मिनट का मतलब होता है, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 30 डिग्री होता है ना। तो हमें कहेंगे ये कितना हो गया है, ये है आपका 40 मिनट है। हम कहेंगे ये पूरा यहां से यहां तक ये पूरा कितना हो गया 60 मिनट यानी कि 30 डिग्री। अब ये हो गया यहां से यहां तक कितना हुआ, ये हो गया आपका 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब कितना हुआ, तो हम कहेंगे कि मिनट वाली सुई जो है, ये मिनट वाली सुई जो है यहाँ पे है होती है, ये मिनट हैंड है ना, सॉरी ये घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई है। तो घंटे वाली सुई जो है पूरा 1 घंटे में यानी 60 मिनट में कितना घूमती है 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 1 मिनट में कितना घूमती है, आप जानते हैं कि 1 मिनट में घूमती है आधे डिग्री ना, ठीक है। घंटे वाली सुई आप जानते हैं पहले से कि 1 मिनट में घूमती है कितना, घूमती है आधे डिग्री। तो 20 मिनट के दौरान में कितना घूमेगी, 20 मिनट के दौरान में कितना घूमोगी, हम कहेंगे 10 डिग्री। हम कहेंगे यानी ये जो घूमी है वो हो गया 10 डिग्री, और नीचे वाला कितना हो गया, ये हो गया आपका 20 डिग्री, है ना। हम कहेंगे 30 डिग्री ये हो गया और 20 डिग्री ये हो गया, कितना हो गया 50 डिग्री, यानी आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, वेरी गुड, वेल डन। देखिए अब ध्यान दीजिए, अब थोड़ा फिगर में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, फिगर में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, यदि फार्मूले से लगाएंगे तो आसान हो जाएगा, है ना। फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल होता है क्या होता है 30 इंटू घंटा, इसको बोले दो को बोलेंगे घंटा, घंटा कितना दिया है दो का, डिफरेंस डिफरेंस करेंगे क्या 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना दिया है 20, कर लीजिए गुणा जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे आ जाएगा 30 गुना कितना आएगा 60, माइनस 2 दहा में 20, माइनस कितना आएगा 110, 110 का और 60 का डिफरेंस कितना होगा, हम कहेंगे 50 का डिफरेंस होगा, ये आपका आंसर आ गया 50 डिग्री, हो गया है कि नहीं। ठीक है सर, 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, ठीक है राहुल कुमार सूरजपाल, देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा, तो हम कहेंगे 1 मिनट जब घूमती है ना तो 5.5 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं ये आया कि नहीं है भाई, कितना सही है, कर लेंगे ना इसको, वेरी गुड। अब जैसे इनका क्वेश्चन ये है कि सर 1 मिनट के दौरान में दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा, तो अब बताइए मान जैसे आप घड़ी तो जानते ही, घड़ी घड़ी आपकी ये हो गई, यहाँ पे 12 है, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये आपका 6 है, 7, 8, 9, सॉरी 9 मिनट, हाँ ये आपका 9 है, 10 है, 11 है, 12 हो गया ना। तो 1 मिनट का मतलब होता है, मान लीजिए ये यहाँ 12 बज रहा है, तो 12 जब ठीक ठीक 12 बजता है तो मिनट वाली सुई भी 12 पे होती है, और घंटे वाली सुई भी कहाँ होती है 12 पे ही होती है। लेकिन जब 12 बज के 1 मिनट होता है तब क्या होता है, 1 मिनट का मतलब होता है जैसे कि ये हो गया 12 ना, ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये हो गया आपका 5, है ना। ये जो शोक ये जो छोटी 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 जो लाइनें बनी है ना, ये शो करती है मिनट को, क्या शो करती है मिनट को। हम कहेंगे जैसे ही 12 बज के, मान लीजिए ठीक 12 बज रहा है, लेकिन जब 12 बज के 1 मिनट होगा तब क्या होगा, 12 बज के 1 मिनट वाली कंडीशन क्या होगी, जो मिनट वाली सुई है वो घूम, देखिए इसको थोड़ा लेंस लेंस लगा के बड़ा करेंगे तो क्या होगा, लेंस लगा के थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करेंगे ना, तो ये सेक्शन है 12 के बाद का और 1 यहाँ आ गया, मान लीजिए जूम किया हमने, यहाँ क्या है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ठीक है। तो ये हमने जूम कर दिया उसको, इस वाले सेक्शन को हमने जूम किया है, जूम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, है ना। तो हम कहेंगे 12 बज के 1 मिनट पे क्या होगा, घंटे वाली जो सुई होगी ना वह कितना घूमेगी, घंटे वाली सुई जब घूमेगी वह मिनट वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ पर जाएगी, मिनट वाली सुई यहाँ पर जाएगी, तो 12 से आ गई यहाँ पे, ये तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती है 6 डिग्री, हमने आपको बताया था अभी, है ना। मिनट वाली सुई 1 मिनट के दौरान में 6 डिग्री घूमती है, लेकिन उसी दौरान में घंटे वाली सुई कहाँ थी,
ठीक 12 पे थी लेकिन हल्का सा घूमी होगी, कितना घूमी होगी, आधा डिग्री। तो हम कहेंगे ये जो, तो हम कहेंगे ये गई 6 डिग्री और घंटे वाली सुई गई आधा डिग्री, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, इन दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, हम कहेंगे 6 डिग्री यहां से तक हुआ, घंटे वाली सुई गई आधा डिग्री, कितना हुआ 5.5 डिग्री। तो हर मिनट में जो दोनों के बीच का अंतर होता है कितना होता है, 5.5 डिग्री होता है। ठीक है भाई, 5.5 डिग्री का होता है। बढ़िया है सर, मैथ क्लास का नोटिफिकेशन मुझे नहीं आता है जबकि मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, पहले आता था बट अब नहीं आ रहा है। देखिए आपको ये आया कि नहीं आया बता रहे हैं, ये चीज आया भाई। तो हर 1 मिनट के दौरान में नहीं समझ में आया ना तो समझने की कोशिश करिएगा, और नहीं तो रट्टा मार लीजिए। क्या रट्टा मारना है कि 5.5 डिग्री हर 1 मिनट के दौरान में 5.5 डिग्री का अंतर हो जाएगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में, हर 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर होता है। बढ़िया भाई, चले आगे ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमको नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमको नोटिफिकेशन नहीं आता है कि हमको हमको पता ही नहीं चल पाता है क्लास है कि नहीं है। देखिए इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, इंफॉर्मेशन आपको ये इसको इरेज कर देते हैं, कोई भी ऑनलाइन जो अभी हम लोग क्लास लेते हैं इससे संबंधित जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो आपको दो जगह पे मिल सकती है, दो जगहों पे मिल सकती है या तीन जगह कर सकते हैं, तीन जगह। पहला क्या है, व्हाट्सएप पे, यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे आप तो वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक, अब व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे होंगे जो लोग या एसएन कोचिंग में एडमिशन लिए हैं या एसएन कोचिंग के छात्र हैं वही लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, ठीक है ना। लेकिन अब इनके अलावा जो बच्चे एसएन कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, बाहरी बच्चे हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, उन लोगों को जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे आपको मिल सकती है। टेलीग्राम पे कोई भी बच्चा जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकता है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप सर्च करिएगा एसएन कोचिंग, आप एसएन कोचिंग सर्च करके वहां पर जाइएगा और वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर ज्वाइन करने से क्या होगा, वहां पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारे पीडीएफ सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। जो व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है वही सेम इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है। या कोई भी वीडियो देखने के लिए आप एक यूट्यूब पे, क्या हो गया, यूट्यूब पे आप जो है एसएन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो बेल आइकन होता है ना, घंटी, घंटी जो बनी होती है घंटी को आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। घंटी दबा करके उसमें ऑल आएगा, ऑल, ठीक है। तो यूट्यूब पे जाइएगा, एसएन कोचिंग को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में घंटी बनी होगी उसको दबाइएगा, वहां पे आएगा ऑल, ऑल को क्लिक कर देंगे सारे जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आपके मोबाइल पे मिलते रहेंगे। तो वहां से आप भी आप जान सकते हैं कब कौन सी क्लास चलने वाली है, ठीक है। और शेड्यूल जानने के लिए, पीडीएफ जो मटेरियल्स है वो प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा या तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में होने चाहिए, ठीक है भाई। चलिए अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्या देखा भाई, हम लोगों ने ये देखा कैसे किसी जो है कोण को ज्ञात कर लेते हैं। बढ़िया आ गया ना। अब चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बताइएगा। दिया गया है 2:40 पर, 2:40 पर कोण ज्ञात कीजिए, 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना होगा इसको ज्ञात करना है। जल्दी बताएं क्या आंसर आएगा, 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों सुइयों के बीच में कोण कितना बनेगा, 2:40 पर दोनों सुइयों के बीच में क्या कोण बनेगा इसको ज्ञात करना है, बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए आप एक काम करिए, फार्मूले से निकालिए, फार्मूले से, फार्मूला हमें ये क्या दिया है, थीटा, थीटा मीन्स क्या होता है, कोण। तो थीटा यानी कि कोण इज इक्वल टू होता है 30 इंटू घंटा, घंटा दिया गया है 2, डिफरेंस 11/2 इंटू मिनट दिया गया है 40। सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 30 गुना के 60, डिफरेंस ये कट देंगे ये 20 जाएगा, 11 गुना के 22, 220 है ना। अब करना क्या है, माइनस कर लीजिए यहां, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 160 डिग्री है ना, इन दोनों से घटा लेंगे भाई,
ठीक है ना, कितना है 160 डिग्री। यस, तो आपका जो आंसर आएगा वो जाएगा 160 डिग्री। 240 पर दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा कितना बनेगा, 160 डिग्री बनेगा। ठीक है, राहुल कुमार, आकांक्षी गौतम, राज, गुरदीप सिंह, अमित कुमार और निहाल तिवारी, सत्यम तिवारी और पूजा शुक्ला, पुनीत सिंह, जितेंद्र, ठीक है ना, आप लोग का आंसर आएगा 160 डिग्री, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर। तो बहुत ही आसान सा है, डायरेक्ट फार्मूले पे है, थीटा यानी कोण इज इक्वल हो जाएगा 30 इंटू घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थीटा इज इक्वल होता है 30 इंटू घंटा माइनस 11/2 इंटू m, है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं थीटा क्या शो करता है, एंगल यानी कि कोण को शो करता है, और एच क्या शो करता है, एच घंटे की जो वैल्यू है उसको शो करता है, एम क्या शो करता है, मिनट, कितने मिनट पर निकालना है, मिनट को शो करता है, भर लेंगे रख लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए अब तक आपने क्या देखा, अब तक आपने देखा है कि कोण को कैसे ज्ञात करते हैं, कोण को कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, देखिए समय ज्ञात करना, अगला क्या है समय, पहला टाइप क्या पढ़ा आपने, पहला आपने पढ़ा है कोण ज्ञात करना, है ना, कोण ज्ञात करना, टू फाइंड एंगल, टू फाइंड एंगल, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू घंटा माइनस 11/2 इंटू मिनट। इस फॉर्मूले से आपने क्या किया, कोण ज्ञात कर लिया। अब जो सेकेंड टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, समय ज्ञात करना, है ना, वो क्या चीज भाई, समय ज्ञात करना, समय कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब इस टाइप के प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछता है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए समय ज्ञात करना, तो हम कहेंगे समय कैसे निकालते हैं, समय ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखते हैं समय ज्ञात करना। देखिए समय ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, जैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन जो एग्जाम पूछेगा वो ऐसे पूछेगा, दो और तीन के बीच कब कब दोनों दोनों सुइयों के बीच 105 डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है दो और तीन के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 105 डिग्री का कोण बनेगा। एक क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से, दो और तीन के बीच में कब, दो और तीन के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 105 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दो और तीन के बीच में कब। कब का मतलब क्या हुआ, समय, कब का मतलब क्या हुआ, समय, वो आपसे समय पूछना चाह रहा है कि दो और तीन के बीच में कब, यानी कि दो बज करके कितने मिनट पर, दो और तीन के बीच में, दो और तीन के बीच का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दो बज करके कितने मिनट पर, दो बज करके 20 मिनट, दो बज के 30 मिनट, दो बज के 40 मिनट, दो बज के 50 मिनट, यानी कि दो और तीन के बीच का वह समय होना चाहिए, दो और तीन के बीच का वह समय होना चाहिए। दो और तीन के बीच के समय का मतलब होता है दो बज जाएगा और कुछ न कुछ मिनट जरूर होगा, तो दो बज करके कितने मिनट पर, दो और तीन बजे के बीच का मतलब होता है दो बज करके कितने मिनट पर, है ना, तीन से ऊपर नहीं होना चाहिए, तीन के नीचे होना चाहिए, लेकिन दो दो के ऊपर तीन के पहले का मतलब हुआ दो और तीन के बीच में। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे कि दो और तीन के बीच में कब होगा, तो देखिए इसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे यहाँ पे कि फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू घंटा प्लस सॉरी माइनस 11/2 इंटू क्या अपना एम, है ना। तो यहां से करना क्या आपको है, कर लेंगे थीटा यानी कि कोण, है ना, कोण का मान दिया 105 डिग्री, थीटा का मान दिया है 100, अब तक थीटा आपसे पूछ रहा था या तो दिया गया 105 रख लेंगे, बराबर 30 इंटू घंटा एच का मान,
देखिए, दो और तीन के बीच का मतलब होता है 2 बज करके कितने मिनट पे, यानी घंटा का मान दिया है 2 घंटे का मान दिया है, तो 30 × घंटा हो जाएगा -11/2 × m, m का मान क्या करना है, निकालना है, मिनट का मान हमको निकालना है। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ क्या आंसर आएगा भाई, 105 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 60, है ना। इधर कितना बचा, सॉरी माइनस आ जाएगा, इधर 105 और माइनस आ जाएगा 60, इधर कितना बचा 11/2 m। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, -60 कर लेंगे कितना आएगा 45 डिग्री, कितना आएगा भाई 45 डिग्री आ जाएगा ये, है ना। ठीक है, 45 डिग्री हो गया, और यहाँ का हो जाएगा 11/2 m, है ना, यानी हम कह देंगे 45 × 90/11 आएगा m, यानी कह सकते हैं 11/5 11/8 88, 2/11, m का माना जाएगा 8 से 2/11, कितना है भाई, एक मिनट गड़बड़ लग रहा है क्या, एक मिनट फिर बता रहे हैं आपको, स्टेप वाइज में एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कब दोनों चीजों के बीच में एक्सपांडिंग का कोण बनेगा, यदि हम यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका आना चाहिए 2:30 ना, 2:30 आपका आंसर आएगा, क्योंकि 2:30 पे ऐसी कंडीशन बनती है, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ होगा 6, यहाँ आपका होगा 1, यहाँ 2, यहाँ हो गया 12, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5, 2:30 पे यानी 2:30 कुछ ऐसी कंडीशन होगी, तो 30, 30 60, 30 90 और 15 कितना 105, यस 2:30 आपका आंसर बन जाएगा, 105 डिग्री का कोण बनेगा 2:30 पे। ठीक है, देखिए इसके लिए जो है एक तरीका और करने का है, बता रहे हैं आपको, हम ऐसे कर लेंगे या तो फिर आप कर लीजिएगा, तो हमने यहाँ पे देखा है थीटा इज इक्वल टू आपने देखा होता है 30 × घंटा और डिफरेंस लिखते हैं 11/2 × मिनट, यानी करते हैं हम लोग, थीटा दिया है 105 डिग्री दिया हुआ, 105 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 × घंटा का मान 2 रखेंगे हो जाएगा 60। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका डिफरेंस 11/2 m, तो हम कर सकते हैं यहाँ पे होता है 11/2 = 30 × घंटा, है ना, तो 11 × m/2 = 30 × घंटा प्लस माइनस कर लेंगे 105, इसका तो मतलब मान आएगा हो जाएगा 11, देखिए सावधान दीजिएगा 105 डिग्री का कोण बनेगा, तो कैसे आएगा, देखिए एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला और होता है, देखिएगा फॉर्मूला वो होता है 11 × minute/2 = होता है 30 × घंटा। ठीक है, अब प्लस माइनस एंगल इस फॉर्मूला से लगाएंगे तो जाएगा 11 मिनट का मान दिया कितना, याद करना है, बाई टू इज इक्वल टू कर लेंगे 30 × घंटा, घंटा का मान दिया 2 2 बज के कितने मिनट पे, ये हमको ज्ञात करना है, घंटा हो गया 2 प्लस माइनस एंगल दिया गया है 105 डिग्री का। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, देखिए तो हम इसको लिखेंगे 11 × minute/2 = 30 कितना आएगा 60, प्लस देखिए प्लस माइनस 2 दिया है, एक बार प्लस सिंबल लेंगे लिखेंगे 105। ठीक, यही पे यदि एक बार माइनस सिंबल लेंगे तो कितना आएगा 11 × minute/2 = हो जाएगा 60 − 105, है ना, तो इस प्रकार से 2 बनेगा, तो हम कर लेंगे यहाँ कितना आएगा देखिएगा, तो 11 × m/2 = हो जाएगा, दोनों को यहाँ पे जो है जोड़ देंगे तो जाएगा 165, है ना। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 × 11 = 55, m का मान कितना आएगा 15 × 30 यानी 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट। ठीक है, क्या आंसर आपका है भाई 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे कितना आएगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 11
मिनट बाय टू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 45। माइनस कर लेंगे, माइनस में आएगा, लेकिन इसमें आएगा माइनस में आएगा 45। क्लियर है? तो हमको यहाँ पे डिफरेंस देखना है, क्या देखना है? डिफरेंस हो गया 45 का, तो यहाँ से 45 एम का मान कितना है? 45 का मतलब हो जाएगा आपका 315। ठीक है, और माइनस पड़ता होगा यहाँ पे, तो ऐसा करिए कि जब माइनस में आंसर आएगा तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, प्लस वाले को आंसर मो ले लेंगे, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा? 30 भी आपका आंसर आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है ना? क्या फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है? 11 इंटू एम बाय टू इज इक्वल टू 30 इंटू घंटा, प्लस माइनस एंगल लिख लेंगे, और यहाँ पे एक बार प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस, प्लस साइन लेके चलेंगे कितना आया? आपका प्लस में आंसर आया है ना, सही है, ठीक। यहाँ पे जब माइनस साइन लेके चलेंगे तो क्या आएगा? माइनस का मतलब हो गया माइनस में आ रहा है इसलिए उसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसको हम लोग नहीं लेंगे, या निकालना भी चाहेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ डिफरेंट आंसर आएगा, ठीक है, जो कि उसको इग्नोर कर देंगे। आया कि नहीं आया? बताइएगा कितना आया कि नहीं आया, आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए आया कि नहीं आया, ठीक है भाई। इस फॉर्मूले से भी आप लोग लगा सकते हैं 11 इंटू एम बाई टू इज इक्वल टू 30 इंटू घंटा प्लस माइनस एंगल, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग लगा सकते हैं क्या? मिनट का मान निकालने के लिए, मिनट का मान निकालने के लिए इस फॉर्मूले को रख करके प्लस माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, जब माइनस में आंसर आएगा तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है, प्लस में आएगा आंसर उसको हम लोग ले लेंगे, इस प्रकार से हम लोग कहेंगे आंसर आ गया हमारा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो आपको कंफर्म जो भी डाउट होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, क्या है क्वेश्चन दिया गया आपको? 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच कब कब दोनों सुइयों में, दोनों सुइयों में 30 डिग्री का कोण बनेगा? क्या बोला गया है? 4 और 5 के बीच कब दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा, बताइएगा। राहुल कुमार को छोड़ दिया सर, बता रहे हैं 4 और 5 के बीच में कब दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनेगा? चलिए इस क्वेश्चन को बताइए आप लोग, इस क्वेश्चन को लगाइए, बता रहे हैं आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनता है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी बताएं क्या आंसर है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 11 इंटू एम बाई टू इज इक्वल टू होता है 30 इंटू घंटा प्लस माइनस एंगल। इस फॉर्मूले से हम लोग जो है निकाल सकते हैं 11 इंटू एम बाई टू इज इक्वल टू 30 इंटू घंटा प्लस माइनस एंगल, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका है 11 इंटू एम का। देखिए इसका मतलब क्या, 4 और 5 बजे के बीच का मतलब होता है 4 बज के कितने मिनट पे, ठीक है, तो 11 इंटू एम बाई टू, एम मिनट का जो पोर्शन है निकालना है, तो एम का मान निकालना है 11 इंटू एम बाई टू इक्वल हो जाएगा 30 इंटू घंटा, घंटे का मतलब क्या हुआ 4 रखेंगे प्लस माइनस एंगल, एंगल हमको क्या करना है दिया है 30 डिग्री, कितना दिया है 30 डिग्री का कोण बनेगा दिया गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 11 इंटू एम बाई टू इज इक्वल 3 चौका 12 120, तो 120 रखेंगे यहाँ पे, अब प्लस कर लेंगे यहाँ पे 30, क्या करेंगे प्लस कर लेंगे 30, एक बार यदि प्लस सिंबल लिया ये मिला, यदि माइनस सिंबल लेंगे तो क्या होगा 11 इंटू एम बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा 3 चौका 12 120, अब माइनस सिंबल लेंगे कितना आएगा यहाँ पे माइनस 30 आएगा, दो आंसर आएंगे, दो आंसर क्या आएगा, एक तो आंसर बन जाएगा आपका कितना 120 और प्लस 30 150 गुना कितना आएगा 300 बटे कितना आया 11, है ना, सॉल्व कर लेंगे तो 11 गुना 22 8 बचा, 11 8 सॉरी हाँ तो 22 80 क्या होते 77, है ना, 3 बचेगा,
ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 27 सही 3/11 मिनट। क्या आंसर आएगा? 4 बजकर 4 और 5 बजे के बीच में कब होगा? हम कहेंगे इसका आंसर आएगा 4 बजकर 27 सही 3/11 मिनट। ये भी सही है, या तो आंसर आ सकता है आपका ऐसे 11 × m/2 इज इक्वल हो जाएगा 120 - 3 कितना आएगा 90। तो m का जो मान आएगा वो रहेगा 180/11, यानी आंसर बन जाएगा 11 × 11 7 हो जाएगा, या 67 हो जाएगा, और 4 कितना आएगा 70/11, 16 सही 4/11 मिनट है ना, कितना आएगा 16 सही 4/11 मिनट पे भी आंसर आ जाएगा। दो दो आंसर आएंगे, ठीक है भाई, दो दो आंसर आएंगे। एक तो आंसर आएगा 4 बजकर 27 सही 3/11 मिनट, ये भी सही आंसर है, ठीक है। या फिर एक आंसर बनेगा 4 बजकर 16 सही 4/11 मिनट, ये भी सही आंसर है। दोनों ही सही आंसर है, जो ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों दिया रहेगा दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला पर नहीं आ रहा समझ सर, घड़ी से बताइए। हाँ सर, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या किया, हमने फार्मूले से फार्मूला एक मिनट निकालना होगा ना, इस फार्मूले का प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। इस फार्मूले से हमने प्रूफ किया यहाँ पे, तो एक आपका प्लस मान पे चला है, एक बार हमने माइनस मान पे चला है, दो दो आंसर आते हैं, दो दो आंसर दोनों क्या है सही है। अब यदि घड़ी मान के करेंगे हम लोग, घड़ी बना के करेंगे, थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा घड़ी से, उसे एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता घड़ी से, लेकिन हाँ पता चलेगा हम लोगों को। देखिए कब, मान लीजिए क्वेश्चन बोला गया है 4 और 5 के बीच में, कब ये हो गया 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 4 और 5 के बीच में बोला है ना, तो कहेंगे देखिए कब आया है 27 सही 3/11, हम कहेंगे 4 बज के 27 सही 3/11 होता है 25 2 27, यानी ग्रेटर जो होगी ना वो यहाँ पर होगी 25 की तरह है ना, 4 बजकर, यानी ये ऐसा होगा, देखिए ऐसे कटी ये लगभग बीच में रहेगा 4:30 के आसपास रहेगा, तो 4 बजकर 27 सही 3/11 का मतलब होता है जो मिनट की जो सुई होगी ना वो 5 के आगे होगी, और घंटे वाली सुई कहाँ होगी 4 और 5 के ठीक बीच के आसपास में होगी। तो हम कहेंगे ये जो कोण बनेगा कितना बनेगा 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो एक कंडीशन ये होगी, या तो फिर एक कंडीशन ऐसी होगी 4 12 यहाँ पे है 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ हो गया 4 5 6, तो कहेंगे एक कंडीशन ये हो सकती है, क्या हो सकती है यहाँ पे बोला गया है 4 बज के 16 सही है ना, 4 बजने का 16 मिनट का मतलब होता है कि 4 घंटे से लगभग यहाँ पे होगी, और 16 का मतलब होता है लगभग ये यहाँ पे होगी ना, 4 बजकर 16 सही 4/11 मिनट, ठीक है, पर आपका एक आंसर आपका ये आ जाएगा, तो दोनों ही 11 × 11 = 7, ठीक ठीक, एक आंसर हो जाएगा 4 बजकर के कितना जाएगा ये आसपास ये टाइम आपका आएगा, यहाँ कितना बनेगा 3 बनेगा, तो दो दो आपके आंसर आ जाएंगे। हाँ यहाँ पर लंबा हो जा रहा है सर, ठीक है चलिए, तो अब यही आपका तरीका करने का है, शॉर्ट मेथड जो होगा उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, टाइम आप लोगों का हो चुका है, इसलिए इसके आगे हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चंस कल भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अब कल थोड़ा और छोटे में और शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई चलिए। तो हाँ एंटी क्लॉक वाइज भी हो सकता है सर, बिल्कुल दोनों हो सकता है ना, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों ही एंगल हो सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज एंगल निकालने के लिए 360 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है, उसको हम लोग कल देख लेंगे। चलिए तो आज इतना ही, ओके बाय, गुड डे, इसके आगे हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ओके बाय, गुड डे।